हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीपीजीटी फिजिक्स 2016 के सॉल्यूशन, और ये पार्ट 5 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, द रेशियो ऑफ ग्राम मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट यानी कि गामा ऑफ डायटोमिक गैस आपको बताना है, यानी गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गामा का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में होता है, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन में एफ, यानी कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप गामा इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको तीनों का बता देता हूँ, ट्राई, मोनो और डायटोमिक। तो सबसे पहले मोनो एटोमिक के लिए किसी भी का अगर आपको मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला होता है 3n-k। एन मतलब कितने मोलिक्यूल है, के मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मोनोएटॉमिक है तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो होगा वो थ्री डायमेंशनली मूव कर सकता है, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3 × 1 यानी कि 3। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। और अगर आप गामा निकालोगे तो वो हो जाएगा 1/2 / f यानी कि 1 + 2/3, इट मीन्स 3 × 2 = 5/3 जो कि 1.66 आएगा। अगर हम डाई एटोमिक की बात करें तो डाई एटोमिक में दो मॉलिक्यूल होंगे, तो एन की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 2, और कॉन्स्टेंट होगा कि ये जो अगर मान लीजिए हम रिजिड सपोर्ट मान रही है तो ये यहाँ पर नहीं जा पाएगा और ये इस तरफ नहीं आ पाएगा, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला होगा 3 × 2 - k यानी कि 1, सो इट विल बी इक्वल टू 3 × 2 = 6 - 1 = 5। तो यहाँ पर गामा आ जाएगा 1 + 2/5, इट मीन्स 7/5, तो यह आएगा 1.40। अब देखिए ट्राई एटोमिक में दो तरह के होंगे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में जो नंबर ऑफ एन तो यहाँ पर 3 होंगे लेकिन कॉन्स्टेंट होगा एक ही और एक ही यानी कि 2, जबकि यहाँ पर n इक्वल टू 3 और कॉन्स्टेंट यहाँ पर 3 होंगे, 1, 2 और 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला 3n-k, तो 3 × 3 - 2, सो इट विल बी इक्वल टू 3 × 3 = 9 - 2 = 7, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 × 3 - नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने, 3। एक मिनट, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 2 है तो इसलिए 7 आया, यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 × 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो अगर मान लीजिए आप गामा निकाल लो लीनियर के लिए, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/7 यानी कि 1 + इसको आप लिख सकते हैं 1 + 2/7 मतलब 9/7, और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा नॉन लीनियर के लिए वो रहेगा 1 + 2/6 या फिर 6 × 2 = 8, 8/6 या फिर 4/3। तो अगर हम ऑप्शन में देखें 1.66 यानी कि ये तो मोनोएटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1.33 तो 1.33 ट्राइएटॉमिक के नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.40 डायएटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 तो खैर किसी का नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, मैं डायएटॉमिक के लिए बताना था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP इज 1.84, व्हाट विल बी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट NTP, यानी कि ऑक्सीजन के लिए आपको बताने की RMS स्पीड कितनी होगी ऑक्सीजन के लिए हमें फाइंड करनी है, और जबकि हमें गिवन है RMS स्पीड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि है 1.84। देखो पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या है RMS स्पीड का। RMS का फॉर्मूला होता है रूट 3RT/m। अब दोनों के लिए टेम्परेचर तो सेम है, हमें NTP पे ही निकालना है, 3R भी दोनों के लिए सेम होगा, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो RMS है वो इनवर्सली रूट m पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि VRMS ऑफ ऑक्सीजन ये रहेगा, कोई कॉन्स्टेंट मान लेता मैं रूट 3RT को, k/√m ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के लिए यही चीज रहेगी, VRMS फॉर हाइड्रोजन रहेगा के कांस्टेंट सेम है, √3RT को मैंने कांस्टेंट मान लिया है, अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन के लिए फाइंड करना है, तो VRMS इन दोनों का रेशियो अगर हम लें, VRMS ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में VRMS ऑफ हाइड्रोजन,
इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि मास पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर नीचे आएगा जैसे लेने पे, और इसका मास आएगा ऊपर, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें निकालना वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बी इक्वल टू रूट मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई में आर एम एस स्पीड किसकी, हाइड्रोजन की। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, हाइड्रोजन के लिए जो मोलिकुलर मास होगा वो 2 रहेगा, ऑक्सीजन के लिए 32 इंटू में आर एम एस स्पीड कितनी यहाँ पर 1.84 हाइड्रोजन की, 1.84। देखिए ये 2 से 32 कैंसिल होगा तो 1/16, 1/16 का अंडर रूट कितना होगा 1/4, यानी कि 1.84 को डिवाइड करना होगा 4 से। जो आर एम एस स्पीड आएगी आफ्टर डिवाइडिंग 1.84 बाय 4, इट विल बी इक्वल टू 0.46। तो 0.46 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज फ्रॉम 20 किलोवाट टू 80 किलोवाट। हमें बताना है कि रिजोल्विंग पावर कितनी हो जाएगी। देखो जो रिजोल्विंग पावर डिपेंड करती है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है वेवलेंथ पर, यानी कि लैम्डा पर, और जो लैम्डा है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है रूट वी पर। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पर, रूट ऑफ वी पर। तो हम ये कह सकते हैं रिजोल्विंग पावर इन द फर्स्ट केस अपॉन में रिजोल्विंग पावर, या ऐसे कहते हैं रिजोल्विंग पावर इन द सेकंड केस अपॉन में रिजोल्विंग पावर इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू रूट वी टू अपॉन में वी वन, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करें ना, इसलिए 2 ऊपर और 1 यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर भी नीचे। तो रिजोल्विंग पावर इन द सेकंड केस विल बी इक्वल टू रिजोल्विंग पावर इन द फर्स्ट केस अपॉन में वी टू कितना है, बाद वाली वोल्टेज 80 और पहले वाली 20, तो 0 से 0 ये आ जाएगा यहाँ पर 4, और 4 का रूट कितना आएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजोल्विंग पावर होगी सेकंड केस में वो 2 टाइम्स हो जाएगी पहले वाले केस में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जोन प्लेट के बारे में कुछ चीजें दी हुई है, तो पहले मैं आपको जोन प्लेट के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखो जोन प्लेट में जो अलग अलग कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं उनको हम फ्रेजनल जोन बोलते हैं, और ऐसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट रहेंगी, या फिर कह लीजिए ओपेक और ट्रांसपेरेंट रहती है। लाइट हिटिंग द जोन प्लेट विल डिफ्रैक्ट अराउंड द ओपेक जोन। तो यहाँ पर जब लाइट आएगी तो उसमें डिफ्रैक्शन होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑन विच सर्कल हुज रेडियस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो इसमें जो रेडियस होगा किस पर डिपेंड करेगा, रूट एन पर। द अल्टरनेट एनुलर जोन दस फॉर्म ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगा, तो अल्टरनेटिवली आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। तो सच प्लेट बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जो प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। एंड प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ सोर्स ऑन द लाइट ऑन द स्क्रीन प्रोड्यूस प्लेस्ड एट अ सुटेबल डिस्टेंस। और जहां पर जोन प्लेट होगी वहां से स्क्रीन पर एक सुटेबल डिस्टेंस पर वो अपनी इमेज बना देगी। लेकिन यहां से हमें पॉइंट क्या निकालना है, कि जो जोन प्लेट होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और जो रेडियस है वो रूट एन पर डिपेंड करता है। फिर फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट इज, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए ऑल जोन प्लेट ट्रांसपेरेंट है, ऑल का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे 1, 3, 5, अगर ये ट्रांसपेरेंट है और इवन जो पे ओपेक, इवन जोन है ओपेक, तो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो यहाँ पर सेंटर पे आपको क्या है, ट्रांसपेरेंट फिर ओपेक फिर ट्रांसपेरेंट, तो ये एक पॉजिटिव जोन प्लेट की तरह बिहेव करेगी। अगर मान लीजिए इवन जोन आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और ऑड जोन है ओपेक, तब के लिए वो कहलाती है नेगेटिव जोन प्लेट। अब कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट में कुछ सिमिलिटी और डिफरेंस भी होते हैं। जैसे सिमिलिटी, लाइक अ लेंस और जोन प्लेट फॉर्म्स अ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर कनेक्टेड बाय टुगेदर बाय द सिमिलर फॉर्मूला इन बोथ द केसेस। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f=1/v-1/u लेंस के केस में, तो दोनों के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर फोकल लेंथ, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f=μ-1 1/R1 - 1/R2, तो जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, वेव लेंथ पर। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि फोकल लेंथ वेव लेंथ पर भी डिपेंड करती है, और कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी रे होंगी सभी एक ही सेम टाइम पर सेम ऑप्टिकल पाथ कवर करेंगी, लेकिन जोन प्लेट में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट रे डिफरेंट टाइम में ट्रेवल।
और जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनेगी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ये वाला केस समझते। मैंने आपको बताया लेंस के लिए फोकल लेंथ डायरेक्टली लैम्डा पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर यानी कि जोन प्लेट में फोकल लेंथ इन्वर्सली डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। तो अगर मान लीजिए देखिए, जैसे आपने वेवगियर पढ़ा होगा, तो अगर हम वॉलेट से रेड की तरफ जाए तो जो वेवलेंथ होती है यानी कि लैम्डा वो इंक्रीज करती है। तो इसकी वजह से दोनों का जो बिहेवियर होगा, मतलब पहले अगर यहाँ पर हम देखेंगे फोकल लेंथ पर, तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ जो ज्यादा होगी वॉलेट के लिए कम होगी, जबकि यहाँ पर जस्ट रिवर्स होगा। तो ये पॉइंट है, एज द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, द वॉलेट रे कम क्लोज टू द फोकस एट द लार्जर डिस्टेंस वाइल द जोन प्लेट द रेड रेज वाइल रिवर्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स विद रेड कम्स टू फोकस एट द लॉन्गर डिस्टेंस। यानी कि जब मैंने आपको बताया फोकल लेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करी, तो उसके हिसाब से पैटर्न बिल्कुल आपको अलग मिलेगा वेवगियर का। फिर अ कॉन्वेक्स लेंस हैज ओनली वन फोकस जो हमने पढ़ा है, लेकिन जोन प्लेट के जो नंबर ऑफ फोकस ही होते हैं। तो हमने सीखा अभी तक कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ एक होगी, जबकि जोन प्लेट की नंबर ऑफ फोकस ही होगी, मतलब अलग अलग फोकल लेंथ होगी जोन प्लेट की। जोन प्लेट किसकी तरह बिहेव करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और कॉन्वेक्स यहाँ पर जो जोन प्लेट होगा उसमें अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क स्पॉट आपको मिलेंगे, कह लीजिए जो रीजन होगा वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक रहेगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। जोन प्लेट है मैनी फोकाई, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, अलग अलग फोकल लेंथ हो सकती है इसकी डिपेंडिंग ऑन द वेव लेंथ। जोन प्लेट इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, तो हाँ ये भी हम। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ स्प्रिंग हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड फोर्स कॉन्स्टेंट। तो लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और फोर्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, जैसे एफ इक्वल टू के अपॉन के इन टू एक्स होता है, तो के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है फोर्स पर लेंथ, तो वो हमें गिवन है 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। अब दो मास हैं जो कि इससे अटैच है इसके एंड से, यानी कि मान लेते हैं इसको 1/2π√kM, लेकिन यहाँ पर मास क्या लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पर रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 plus m2। तो m1 कितना है 10 ग्राम into 90 अपॉन में 10 plus 90 यानी कि 900 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 9 ग्राम को हमें किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 9 × 10⁻³ लिख सकते हैं, ये आ जाएगा किलोग्राम में। अब देखो 1/2π फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए k की वैल्यू पुट करनी होगी 10³ अपॉन में 9 × 10³, तो यहाँ पर ही -3 आएगा। अभी 1/2π √9 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3, और ये 10³ - 3 ऊपर जाएगा तो 10⁶, और 10⁶ का अंडर रूट हमें करना होगा जो आएगा 10³ अपॉन में 2π × 3 या फिर 1000 / 6π। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 50। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेरित उत्सर्जन या फिर स्टिमुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ चार्ज सॉलिड मेटल स्फीयर, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगा। तो ये अगर मेटल की बात करें तो जो भी आप चार्ज दोगे वो उसके सरफेस पर आ जाता है। अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फाइंड करें, तो आपको पता है ये ई डॉट ए के इक्वल होगा क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर नहीं है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी रहेगी, जीरो। तो ध्यान रखना अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक स्फीयर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज एवरीवेयर जीरो। बाहर के लिए अगर आप देखोगे आउटसाइड के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हमें एल की वैल्यू गिवन है, इतना चेंज हो रहा है वो 0.1 सेकंड में, तो आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज इन टाइम या DI/DT। तो ईएमएफ हमें फाइंड करना है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 0.1 को यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाएगा, 250 × 10⁻⁶, और 25 × 4 कितना होता है 100, तो 10³ यहाँ से आ जाएगा, यानी कि ये बचेगा सिर्फ 10⁻³, जिसको आप माइनस
10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 220 वोल्ट एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। तो मैं इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, तो आपको बताना है व्हाट इज द पावर लॉस। पावर लॉस हमें फाइंड कर, तो देखो इंडक्टर में अगर आप अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर के लिए जो फेज डिफरेंस होता है 5 होता है 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन का, और कैपेसिटर में भी इतना होता है प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर में, जबकि रेजिस्टेंस में 0 डिग्री का ही होता है। तो अगर आप पावर फाइंड करोगे तो वो रहेगी VRMS IRMS इंटू में cos phi। अब क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड 20 किलोवाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0.5 वेवलेंथ विल बी एब्सेंट, 0.8 एंगस्ट्रॉम विल बी प्रेजेंट। तो देखो पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं, लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा 12375, ये मैंने पहले भी बताया था, अपॉन में पोटेंशियल वी, और इससे सीधा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12375 को डिवाइड करना होगा 20 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3 से, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ आए 0.6 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे मिनिमम वेवलेंथ है। जो वेवलेंथ इसके ऊपर की होगी वो प्रेजेंट होगी, इसके नीचे की वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होगी, यानी 0.6 के अबव क्या है 0.8, तो वो तो प्रेजेंट होगी, लेकिन 0.6 से कम क्या है 0.5, तो ये रहेगी अब्सेंट। अब चलते हैं फिर से ऑप्शन पे, तो इसमें बोला गया था 0.5 एंगस्ट्रॉम विल